बहुत देर हो गई डॉक्टर साहब, बहुत देर। क्या बात है प्रधान जी? क्या महाराज? जी कुंवर साहब बैठिए। प्रधान जी, रानी माँ को खबर कर दी कि वकील साहब आ गए। जी कुंवर। बांके वसीयतनामा लाए हैं? जी हाँ। पढ़िए। मैं महाराजा किरण सिंह अपने होश और हवास में यह वसीयतनामा तहरीर कर रहा हूं कि मेरे बाद इस राज की कर्ता धत्ता मेरी बहन रानी इंदुमती होंगी। उनके मशवरे के बगैर राजा को कुछ करने का अधिकार न होगा। जैसा कि सबको मालूम है, मेरे छोटे भाई कुंवर तेज सिंह के पोते कुंवर प्रताप सिंह के सिवा मेरा कोई वारिस मौजूद नहीं, इसलिए राजा उसको होना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी लड़की अरुणा देवी को शाही गवैये के साथ शादी कर लेने के जुर्म में राज से बेदखल कर दिया था। अब अपनी भूल मानकर मैं उसका अपराध क्षमा कर रहा हूं। एक महीने तक उसकी तलाश की जाए, अगर वो मिल जाए तो उसका बड़ा लड़का मेरे राज का पहला और जायज वारिस समझा जाए। ये मेरी अंतिम इच्छा है। वसीयतनामा मेरे हुक्म और मेरे दस्तखत से जारी हुआ। महाराजा किरण सिंह। प्रधान जी, उन्हें तलाश कीजिए। महाराज की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। जरूर पूरी होगी रानी। आज 12 तारीख हो गई, अगले महीने की 12 तक जैसे भी हो अरुणा और इस राज्य का वारिस हमें मिलना चाहिए। महाराज के वसीयतनामे ने तो हमेशा के लिए सर झुका दिया। बाकी तुमने कभी प्रताप सिंह का सर झुका हुआ देखा है? नहीं सरकार। तो फिर चिंता क्यों करते हो? अगर एक महीने के अंदर पहला वारिस मिल गया तो क्या होगा? उसे आते हुए हजारों लोग देखेंगे, लेकिन जाते हुए कोई नहीं देखेगा। बाकी कोई किसी को कलम के जोर से राजा नहीं बना सकता। वो कोई नहीं, और अगर है तो नहीं रहेगा। लेकिन सरकार, वो होगा तो आएगा जरूर। उसके लिए अच्छा है कि यहां नहीं आए। राजा बनकर मरने से मामूली आदमी बनकर जीना बहुत बेहतर। जाओ राधिका को देखो। वसीयतनामे में जो कुछ लिख दिया गया वह कलम से नहीं काटा जाएगा, बल्कि आपने याद किया कुंवर साहब? हाँ, जंगल के साहिब महल में आ रहे हैं, उन्हें पैरों से कुचल दो राधिका।
बम 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 लहरी लहर लहर नदिया गहरी बम 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 लहरी अरे लहर लहर नदिया गहरी बम 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 लहरी लहर लहर नदिया गहरी बम 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 लहरी लहर लहर नदिया गहरी बिरज में होली है लाल गुलाल मला है तन पर मुंह में भांग की गोली है अरे चाहे चंचल चाहे चातुर चाहे कोई भोली है उस पर रंग पड़ेगा कोरी जिसकी चोली है
क्या क्या छप दिखलाती है, गाता है संसार गले से वो नैनों से गाती है, गाता है संसार गले से वो नैनों से गाती है। अरे घूंघट के पट खोल के चुपके चुपके पास बुलाती है, आते हैं जो पास दीवाने घूंघट में छुप जाती है, आते हैं जो पास दीवाने घूंघट में छुप जाती है। से मन्नू कौन है? अरे भागो! सुनिए 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 सुनिए, मैं जानता था कि आप एक ना एक दिन उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। अच्छा, वो कैसे? मैंने उसकी जन्मपत्री देखी, उसे राजा होना ही चाहिए। ये तो भगवान की इच्छा थी कि इतने दिन गरीबों में रहकर उनका दुख दर्द जान ले। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज कुंवर को पाकर हमें कितनी खुशी हुई है, राजकुमारी के रियासत छोड़ देने के बाद। राजा के डर से हम खुल के तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन रानी माँ ने और मैंने खुफिया तौर पर राजकुमारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हमें हर वक्त यही चिंता रहती थी कि इतने ऐश और आराम में पली हुई राजकुमारी न जाने अपने दिन कैसे काट रही हो। प्रधान जी, ऐशो आराम छोड़कर वो शांति की तलाश में यहाँ आए थे और वो उन्हें यहाँ मिली। अरुणा बेटी के पति पहले राजा को गाना सुनाया करते थे, यहाँ आकर मंदिर में आश्रय लिया और राजाओं के राजा को गाना सुनाने लगे, और इसीलिए शायद भगवान ने पति पत्नी को एक साथ अपना लिया। मनु उस वक्त सिर्फ एक साल का था। शायद वो आ गया। अब बैठिए बैठिए। क्यों बेटा, आज बहुत देर कर दी? बाबा, आज बहुत से सिपाही आए थे और मुझे ढूंढ रहे थे। अच्छा? हाँ, लेकिन लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम हंस रहे हो बाबा, तुम्हें विश्वास नहीं आता? नहीं नहीं, मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी कोई अन्याय नहीं करेगा। शायद उन्हें भी अपनी भूल मालूम हो गई, इसलिए चले गए। बेटा, तू राजा बनेगा? नहीं नहीं, राजा नारायण दास बनेगा, नूर मोहम्मद सेनापति, और मैं पुजारी बनूंगा। क्या मतलब? गांव में नौटंकी होने वाली है ना, उसमें मैं पुजारी, नूरू सेनापति और राजा नारायण दास। अरे मैं नौटंकी की बात नहीं कर रहा, मैं पूछता हूँ क्या तू सचमुच का राजा बनेगा? सचमुच का राजा? क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं सचमुच का राजा बनूं? मनु, वो तुम्हारी रियासत के सिपाही हैं, वो तुम्हें वहां ले जाकर राजा बनाना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ। बाबा, आप मुझे वहां भेजना चाहते हैं जहां से मेरे माँ बाप अपमानित होकर निकाले गए थे? नहीं नहीं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। राजकुमार की जिद सर आंखों पर, लेकिन मेरी एक बात पर भी गौर किया जाए। आप? मैं आपकी रियासत का प्रधानमंत्री हूँ, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ स्वर्गीय महाराज ने जो अपमान आपके माता पिता का किया, बाद में उसके लिए उन्हें बहुत पछतावा, इसीलिए अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी गद्दी का वारिस आपको बनाया। मुझे पूरा यकीन है कि अपने पूर्वजों की शांति के लिए राजकुमार उनकी अंतिम इच्छा को ठुकराएंगे नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, राज्य लेकर क्या करूंगा? हर काम अपनी खुशी के लिए नहीं किया जाता, दूसरों की खुशी भी देखनी चाहिए। लेकिन आप तो मुझे जोगी बनाना चाहते थे।
जोगी ही तो राजा बन सकता है बेटा, ये भी एक तपस्या है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं अपना गांव, अपने बचपन के साथी और आपको किस तरह छोड़कर जाऊं बाबा? मेरा दिल भी तो देखो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अपनी छाती से अलग कर रहा हूं। तो फिर आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं मन्नू, वो मेरा स्थान है, मुझे अपने मंदिर में ही रहने दो। तुम महल में जाओ, लेकिन हमेशा उसे मंदिर ही समझना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबा, आप मुझे यहाँ से ना भेजिए। मन्नू, अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई दूसरा राजा बनेगा जो तुम्हारी तरह गरीबों के दुख दर्द को नहीं समझ सकेगा, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। वहां जाना तुम्हारा कर्तव्य और मेरी आज्ञा भी। बाबा समझ लो, यही गुरु दक्षिणा है। ताज रखती है। तकदीर का क्या भरोसा, सब बदल जाए, ताज के साथ सर भी उतर जाते हैं बांके। आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, अब सब कुछ तुम्हारा है। करो। कौन है ये? क्या तूने अपनी माँ को नहीं देखा? जी नहीं, जब मैं बहुत छोटा था। तो क्या ये मेरी माँ की तस्वीर है? दया जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैंने माँ को कभी देखा नहीं था। आज बेटा, भाभी के मरने के बाद मैंने ही उसे कलेजे से लगा के पाला था, भैया ने उसे निकाल दिया। मैं औरत हुकूमत का मुकाबला न कर सके। यूं लगता है आज मुझे अपनी अरुणा मिल गई। आप कौन है? मैं तुम्हारी नानी। नानी, तेरी माँ तुझे क्या पुकारती थी? शायद मन्नू कहती थी, सब मुझे मन्नू ही कहते हैं। आज से सिर्फ मैं तुझे मन्नू कहूंगी। अच्छा, आपको लोग क्या कहते हैं? रानी माँ। रानी माँ, मैं आपको नानी माँ कहूंगा। अच्छा, मैं तेरे खास नौकर को भेज देती हूँ, वो तेरे नहाने का इंतजाम करेगा, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, तुम्हें रानी माँ बुला रही है। रानी माँ, समझा, शायद नए महाराज आ गए होंगे। चलो चलो, तुम लोग समझ गए ना, महाराज बिल्कुल नए। सरकार, सरकार, क्यों बे, कौन है तू? अबे इस कमरे में कैसे घुस आया है? सरकार कहाँ? सरकार, मैं वो तो मैं भी देख रहा हूं कि तू, मैं पूछता हूं महाराज कहाँ है? जी 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 जी, क्या कर रहा है? गांव से आया क्या? हाँ। अबे ये सरकार का खास कमरा है,
और मैं सरकार का खास नौकर हूँ और तू यहाँ से बर्खास्त। चल चल भाग यहाँ से, यहाँ गांव का नौकर नहीं चलेगा। सरकार सरकार, लेकिन फिर मैं बैठ का यार, क्या तनख्वाह बाकी तो जाके खजानची से ले ले, मेरा थोपड़ा क्या देख रहा जाना है जैसे। सरकार सरकार, तो यहाँ कहाँ चला बेटा? खजानची के पास। खजानची के पास? रानी माँ, मैंने खजानची के पास भेजा तनख्वाह लेने। तनख्वाह लेने? तनख्वाह राजा खजानची को देता है या खजानची राजा को देता है? मैं इतना बुद्धू थोड़ा ही हूँ रानी माँ, राजा खजानची को तनख्वाह देता है। फिर क्या? फिर मैं सूली पे चढ़ गया। माफ कर दो सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो। अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे पैर तो छोड़ो। नहीं सरकार, जब तक आप दिल के अंदर से माफ नहीं करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज। ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। चलो उठो। क्या शर्त महाराज? आइंदा कभी तुम मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाओ। फिर कहाँ हाथ लगाऊं महाराज? आज से तुम नौकर नहीं। मेरी छुट्टी नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त। चलो हाथ लगाओ महाराज, हाथ बढ़ाओ 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 महाराज महाराज महाराज। अब तो आप और भी गंदे हो गए, मैंने हाथ लगाया ना, चलिए स्नान कर लीजिए। आइए आइए आइए, जाइए सरकार सरकार। लेकिन आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे वो लड़कियां नहीं शेर भी आए। लेकिन लड़कियां क्यों? आपको नहलाने के लिए सरकार। क्या नहलाने के लिए? जी हाँ। जी नहीं, निकालो अब भी निकालो, सबको निकालो। लेकिन सब निकालता है कि नहीं? निकालता हूँ सरकार निकालता हूँ। तो चंपा चमेली अलबेली गुलनार, चलो जल्दी जल्दी निकलो बाहर। सरकार आइए। बहादुर जी, और एक बार देख लो कोई अंदर रह तो नहीं गई? नहीं सरकार, गुसल खाने में कोई नहीं। सरकार तो मेरे दोस्त है, उन्होंने उससे हाथ भी मिलाया। मगर बाहर पहरे पर दुश्मन जो खड़ा हुआ है वो तुम्हारा जीजा जी। अलबेली तुम उससे इतना डरती क्यों? पहले तो मेरे दीदी को मार डाला, अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी बोलेंगे इतनी देर क्यों लगा दी, सब लड़कियां जा चुकी हैं, तू क्या कर रही थी? ऐसी बात तो आज फैसला हो जाए। चल मेरे साथ। नहीं पहले तू चल, डरना नहीं, मैं पीछे हूँ। इतनी देर क्यों कर दी, सब लड़कियां जा चुकी, तू क्या कर रही थी? अपनी जीजी को याद करके रो रही थी। अब तू क्या आंसू पोंछ रहा था? जी नहीं, मैं तो तुम्हारी पिछली दो बीवियों के श्राद्ध की सोच रहा था। तू क्या मेरा ससुर है जो श्राद्ध की तैयारी कर रहा है? ससुर नहीं तो सारू समझो ना। है? क्या कहा? जान से मार डालूंगा। देखो तलवार से नहीं, मुंह से बात करो बुद्धू सिंह। मेरा नाम बुद्धू सिंह नहीं, बुद्धि सिंह है, समझे? अच्छा तो यही तुम्हारी बुद्धि है, है? औरत के सामने ऐसे खड़े हो? अरे
क्या करता है, है? ये क्या करता है? मैं तेरे पेट में कब्जे घुमा दूंगा। ये क्या करता है? छोड़ दो ना। तुम कहती हो तो छोड़ देता हूं। लो नहीं, अब इससे भी कहो ये भी मुझे छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भाग जाऊंगा। मैं यहां हूं। इनसे मिलो, ये हमारी रियासत के शिक्षा मंत्री आचार्य धर्म कुमार मिश्रा। नमस्ते। नमस्ते। आप हमारे खजाने के हाकिम ठाकुर राम सिंह जी, और आप हैं हमारे शाही वकील दीवान बद्री प्रसाद। इन्हें तो तुम जानते हो। और ये है प्रताप सिंह, हमारे फौज के हाकिम। जैसे तुम मेरे भतीजे के लड़के हो, ये मेरे भतीजे के लड़के हैं। नमस्ते भाई साहब। मेरा नाम कमर प्रताप सिंह है। रानीमा, अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम जा सकते हो। आप लोग भी जा सकते हैं। प्रधान जी, रानीमा, कुंवर की शिक्षा के लिए आपने क्या सोचा है? राज तिलक अब जल्दी ही कर देना चाहिए। सब ठीक है रानीमा, कुंवर रोज सुबह तलवार चलाना सीखा करेंगी। और उसके बाद तलवार चलाना क्यों? राजा को सीखना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने मुझे सिखाया इसे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ उठाने का सवाल नहीं। राजा के हजार दोस्त होते हैं, हजार दुश्मन। हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे तो कौन हमारा दुश्मन होगा? लड़ाई और तलवारबाजी राजाओं के खेल है। तुम खेल समझ के सीखो। खेल समझ कर तो ठीक है, गुरुदेव भी मुझे लाठी चलाना सिखाते थे। फिर घोड़े की सवारी, राज के कायदे कानून से वाकफियत, राज के हालात और नक्शे समझना, दूसरे मुल्क के राजाओं से मिलना जुलना और फौजी कायदे कानून समझना। बाप रे, राजा एक और मुसीबत इतनी। हाँ, कल से तलवार सीखना शुरू कर दो। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अभिमान सिंह। कौन सा रिसाला? खास रिसाला। कितने दिनों से काम कर रहे हो? 7 बरस से हुजूर। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं सरकार। मैं यहाँ राज करने नहीं, आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत हो, आप सीधे मुझसे कह सकते हैं। सरकार, सरकार, मुझे कुछ कहना है सरकार, दुआएं हैं सरकार, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है सरकार, मुझे कुछ कहना है। हटा भी दे, इसने इन्हें बंद किया। कुंवर प्रताप सिंह जी के हुक्म है सरकार, इन्होंने बगावत की। कैसी बगावत? सरकार, 3 साल हो गए माँ को नहीं मिला था। खबर मिली कि वो बहुत बीमार है, छुट्टी मांगी तो वो भी नामंजूर हो गई। फिर नहीं माना सरकार तो भाग निकला। वो तो पकड़ कर बगावत के इल्जाम में बंद कर दिया गया सरकार। खोल दे दरवाजा, छोड़ दो इन्हें। सरकार, अगर दरबार में मशवरा कर लिया जाता तो अच्छा है। मैं हुक्म दे रहा हूँ, दरबार की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। ये ताबीज किस लिए पहना? मां ने दिया है सरकार। सिपाही की जान का कोई भरोसा नहीं, इससे मेरी रक्षा होगी। देखा ना मां का आशीर्वाद। अच्छा, तुम्हें 2 महीने की छुट्टी, जाओ मां से मिलकर आओ। जाओ। प्रधान जी। जी महाराज। ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जिसे भी मुझसे कुछ कहना है वो किसी वक्त भी मुझसे मिल सकता है। चलिए। इस तरह नहीं कमर साहब, तलवार अगर दाईं तरफ आए तो बाजू बचाना चाहिए। क्यों? और अगर बाईं तरफ आए तो सीना। लाइए गुरुदेव, मैं सिखाता हूँ। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आइए कमर साहब। डरिए मत, आइए आइए। आइए, चोट तो नहीं आई आपको? नहीं। आइए। देखा, आप सीना बचाना भूल गए। खैर, फिर वार कीजिए। देखा,
बाजू का ख्याल नहीं किया, समझिए। भाग क्यों रहे हैं आप? राजा बनना है आपको। खैर ये साहब, सरकार आपने तो कमाल कर दिया, इतने बड़े तलवारबाज की तलवार आपने गिरा दी। अरे भाई, मैंने तो आंख बंद करके लाठी का दांव मारा था। धन्य है सरकार, आंख बंद करके मारा था, इससे उसका यह नतीजा हुआ। अगर आंख खोल के मारते तो उस बेचारे की क्या हालत होती। लेकिन सरकार, कुंवर साहब की नीयत साफ नहीं थी। बहादुर सिंह, भाई साहब के बारे में ऐसी बातें कभी मत करना। सरकार, धूप ऊपर से आ रही है और आप गर्मी मुझ पे उतार रहे हैं। ठीक, ये लीजिए बेवड़े का, केवड़े का शरबत पीजिए। क्यों, तलवार ने साथ नहीं दिया? तलवार में एक ही गुण है कुंवर साहब, औरत में हजार। क्या मतलब? आपको ये काम तो इस बांदी से लेना चाहिए था। तुमसे? जाओ, ये काम औरतों का नहीं। औरत के सामने तलवार क्या चीज है? तलवार का वार खाली जा सकता है, मगर औरत का वार कभी खाली नहीं जाता। तो फिर इंतजार किस बात का है? रात का। जन्म जन्म से मैं आपको जानता हूं। सच कहता हूं, मैं आप ही की वजह से यहां रुक गया, नहीं तो पहले दिन यहां से भाग जाता। अच्छा, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हैं? बोलिए बोलिए ना नानी माँ। आप कौन है? मेरा नाम राधिका है, मैं इसी महल में रहती हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपके कमरे में रोशनी देखी, आपसे बातें करने के लिए आई। बातें करने? चलिए ना। हाँ, चलिए ना ऊपर, देखिए ना कितनी अच्छी चांदनी रात है। चांदनी रात? लेकिन आज तो अमावस है। तो क्या हुआ, आप तो खुद एक चांद हैं। चांद? अच्छा, बातें करने से आपको नींद आ जाएगी? आज तो जानी चाहिए। तो जरा ठहरिए, मैं अभी आ रहा हूं। आइए ना, आइए। तुम? हाँ नानी माँ, देखिए इनको नींद नहीं आती, आप इनसे जरा बातें कीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम यहाँ क्यों आई?
कैसे आई? तुम्हारी ये हिम्मत? आइंदा ऐसी हरकत की तो मेहनत से निकाल दूंगी, चली जाए यहां से। अब सो जाए। क्यों, चांद निकला या नींद उड़ गई? तो औरत का वार भी खाली गया। अपनी हार का अफसोस न करो राधिका, मैं जब चाहूं अपने रास्ते का पत्थर हटा सकता हूं। इसमें हीरे मोती जड़े हैं। सोचना कि आज से तुम कांठफारा ताज पहनकर सबके दुख दर्द का बोझ उठा रहे हो। आप लोग बैठिए। जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है मैं सबसे कह रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आप लोगों की मदद के भरोसे पर उठा लिया है। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान और भूल मुझसे भी हो सकती है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अगर मुझे भूल करते देखें तो टोक दें, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। महाराज की जय! मैंने समय के करवटे बदलने की आवाज इतने नजदीक से कभी नहीं सुनी थी। यह रियासत हमारे बुजुर्गों की अमानत है। आप इस दरबार में बुजुर्गों का नाम रोशन करना चाहते हैं या किसी इनकलाब को दिया जलाना चाहते हैं? आप जो कुछ पूछना चाहते हैं साफ सब पूछें। मेरे कैदियों को महाराज ने मेरे मशवरे के बगैर क्यों रहा कर दिया? मजलूमों की फरियाद सुनने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं होती। महाराज अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत का हुक्म मानने वाले मजलूम नहीं बागी होते। एक इंसान का अधिकार मांगना और अपने बीमार माँ को देखने के लिए जाना कोई बकावत नहीं। राजनीति रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं करती। कुमार साहब, हम सिपाहियों का तलवार के नीचे रखकर वफादार नहीं बना सकते। हमें अपने लिए किराए पर लड़ने वाले नहीं, मोहब्बत पर जान देने वाले सिपाही चाहिए। मैं महाराज को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सिपाहियों का हाकिम मैं हूं, उनकी रिहाई और सजा मेरा अख्तियार। रियासत के हाकिम हम हैं और कुमार साहब खुद हमारे अख्तियार में। रानी मां, दरबार आपका फैसला सुनना चाहता है। आपका हुक्म हमारे लिए आखिरी हुक्म। प्रताप सिंह, तुम अभी कह चुके हो राजा का हुक्म नहीं मानना बगावत है। अब महाराज को आराम करना चाहिए।
महाराज दुर्गापुर से कुछ लोग आए। उन्हें कह दीजिए फिर कभी आए। नहीं नहीं रानी माँ, वो बेचारे बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। क्या आप आराम कीजिए, उन्हें अंदर बुलाइए। दिन खाना ना खाने से तो शेर भी गीदड़ बन जाता है। मैं तो सिर्फ बहादुर सिंह हूं। तो खाना क्यों नहीं खाया? मालिक खाना ना खा और नौकर खाना खा ले। महाराज बुरा ना मानिएगा, महाराज वैसे तो राजाओं का पेट इतना बड़ा होता है, दिल इतना छोटा, लेकिन मेरे महाराजा की हर चीज उल्टी। दिल इतना बड़ा है, पेट इतना छोटा। चलिए महाराज, रानी माँ का हुक्म। नहीं बहादुर, पहले मुझे काम खत्म करना है। अगर आपको पहले ये काम ही खत्म करना है, उससे पहले आप मुझे खत्म कर दीजिए। क्यों? रानी माँ के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं आपके हाथों शहीद हो जाऊं। तो रानी माँ के जाके बोल। अरे बाप रे, अगर मैं आपके बगैर रानी माँ के पास गया तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। आखिर वो बेचारी भी तो सुबह से भूखी है। क्या रानी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? आप खाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पानी तक नहीं पिया। चलिए नानी माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बैठ। तूने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे तो काम की वजह से देर हो जाती है। इतना काम क्यों करता है? कैद को आराम कहा। नानी माँ, मैं कब तक राजपाट के जंजीरों में जकड़ा रहूंगा, मुझे रिहा कर दीजिए। बहुत थक गया है। हाँ नानी माँ, मैं हमेशा आजादी से घूमता रहा, अचानक मेरी आजादी मुझसे छीन गई, मैं राजा होकर कैदी बन गया। कुछ दिनों की फुर्सत ले ले, राज का काम मैं देखूंगी, तू बजरे पर शहर के लिए चला जाया कर। मैं अकेला जाना चाहता हूँ नानी माँ। नहीं मन्नू। क्यों? राजा का अकेला होना खतरे से खाली नहीं होता। जा खाना खा ले। अब चलिए। मैं आती हूँ, तू चल। जल्दी आइए। बहादुर से। जी रानी माँ। सरकारी वजह तैयार कर ले, कल से महाराज रोज सवेरे शहर के लिए जाएंगे, शाम से पहले उन्हें वापस लाना, और देख उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना, अगर वो कहीं अकेले चले गए तो मालूम है रानी माँ। क्या मालूम है? महाराज अकेले गए तो मुझे अकेला परमात्मा के यहाँ जाना होगा। हाँ ध्यान रखना। अकेला तो मैं कभी नहीं आने वाला। ए, ये क्या खिल 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 करके हंस रही हो? चलो जाओ अपने काम करो। ए, अलबेली से क्या कह रहा था? मैं तो ये कह रहा था कि इस पोशाक में तुम राजा लगते हो। हाँ, वो भी ताश का, ईद का राजा, गुलाम चिड़िए का। क्या देख रहे हैं सरकार? वो देख। भाई साहब। भाई साहब? हाँ सरकार, सुना है आदमी पहले बंदर था और आहिस्ता आहिस्ता
इंसान बन गया। काश कि मैं इन जैसा हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार, आप तो शेरे बबर हैं, चीता है, बंदर तो हम। तो बंदर नहीं तो गधा है। हाँ महाराज। कितने आजाद हैं ये, अगर इनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए। बहादुर, ये शाही बंदर मेरे लिए पिंजरे से कम है। मैं क्या करूं सरकार, रानी माँ का हुक्म है कि आपको बाहर न जाने दिया जाए। तू जा सकते हैं और मैं नहीं, आखिर क्यों? सरकार मैं तो आजाद आदमी हूँ, आप जैसा राजा महाराजा थोड़ा ही हूँ। लेकिन किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। बाप रे, आप अगर बाहर गए तो मैं अंदर बुलाऊंगा। क्या कहा? आप अगर बाहर गए तो मैं अंदर। इधर आ, आदत कपड़े उतार। जी, अरे कपड़े उतार। ये आप क्या कह रहे हो महाराज, मैंने आज तक सिवा अपने माँ बाप के और किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे। तू समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सब समझ गया हूँ महाराज, आप एक गरीब आदमी के कपड़े उतरवाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? ये राजाओं के खेल भी अजीब अजीब होते हैं, मगर इतना तो सोचिए महाराज, मेरा तमाशा बन जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं न रहूं और तू तू न रहे। तो फिर क्या रहे सरकार, मैं न रहूं तू तू न रहे? आप क्या भजन गा रहे हैं सरकार? अरे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी देर के लिए मैं तू हो जाऊं और तू मैं। अजी ऐसा तो कोई पहुंचे हुए साधु ही कर सकते हैं, हम लोग ये गड़बड़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं बहादुर। समझा, आज बहुत गर्मी है ना, चलिए मैं आपके लिए केवड़े का शरबत लेकर आता हूँ। बहादुर सुन, आज से हम कपड़े बदल लेंगे, नौकर के फेस में मैं बाहर जाऊंगा और तू महाराज बनकर अंदर रहेगा, समझा कि नहीं? समझ गया, लोगों का सत्यानाश होता है, मेरा सवा सत्यानाश होगा। मैं नहीं महाराज, मैं नहीं। देख, मैं तुझे नौकर नहीं दोस्त समझता हूँ, इतनी मेहरबानी कर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दे, मैं जाके नहीं लगवा। आप हुक्म करें तो महाराज मैं अपने आप को किनारे लगा दूं, लेकिन ये दोस्ती नहीं, ये तो दुश्मनी है, आप मेरी दाल रोटी के पीछे पड़े हैं। जा तो सही महाराज। जाता है अजरक, किनारे लगा दो, महाराज के दर्द में सर हो रहा है, आराम करेंगे। ए, बंदिया किनारे लगा दो, महाराज के दर्द में सर हो रहा है। अरे बुद्धू, महाराज के दर्द में सर नहीं, सर में दर्द हो रहा है। मगर तुम्हें ने तो कहा। चल जल्दी खाए। हमको शर्म आती है। बहादुर, देख मैं कैसे लगता हूँ? अरे आप तो एकदम खानदानी नौकर लग रहे हैं। माफ करना महाराज, जबान फिसल गई, क्षमा करना। डरता क्यों है? मैं यही तो चाहता हूँ कि मुझ पर कोई शक न करे। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है?
तू यहाँ कैसे गिर गया? तुम्हारा गाना सुनते सुनते। अरे मैंने तुझे बचाया। हाँ? तू तो राजा का आदमी है। तो क्या हुआ? क्या करने आया है यहाँ? गांव जलाने आया है, खेतों में आग लगाने आया है, लड़कियों की इज्जत लूटने आया है। बोल, बोल। पत्थर तो फेंक दो। अगर राजा के आदमी ये सब करते हैं तो मुझे खुद राजा से नफरत हो गई है। जैसे कुछ जानता ही नहीं। सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बिल्कुल नया हूँ। फिर छोड़ दे नौकरी। नौकरी कैसे छोड़ दूँ? बूढ़ी माँ है, तीन भाई तीन बहन, नौकरी नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा? सच बोलता है तू? हमारा नुकसान करने तो नहीं आया है? सच बोलता हूँ, तुमको छू के बोलता हूँ। ए हाथ लगाता है तेरे तो चटनी बना डालूंगी। चटनी? हाँ। अरे बाप रे, माफ कर दो। हाँ माफ कर दो। ए सुन, क्या तू बहुत दुखी है? क्या दुखी? मुझ जैसा दुखी दुनिया में कोई ना होगा। उठ। क्यों? उठ। बैठ। बैठता हूँ, बैठता हूँ। फिर उठ। फिर? हाँ। अच्छा। ठीक है, चलेगा। क्या? तू मुझे पसंद है? हाँ, पसंद? हाँ। तू मेरे साथ चल, मैं आज ही बापू से बात कर लेती हूँ। आज ही? हाँ। इतनी जल्दी? चलता है कि नहीं चप्पूस? चलता हूँ, चलता हूँ, चलता हूँ। राजा का आदमी। राजा का आदमी कहाँ है? वो बिजली उसे पकड़ कर ला रही है सरदार। नाम है तेरा? नाम? मेरा नाम बादल। बादल? राजा की नौकरी क्यों करता है? पेट के लिए करता हूँ सरदार, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। बूढ़ी माँ है, तीन बहन चार भाई। ए, चार भाई? जंगल तक तो तीन भाई थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते चार हो गए? चप्पूस! नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है यहाँ मैं अकेला हूँ, घर पर तीन है। ए, तू अपने आप को क्यों नहीं गिनता? भूल हो गई सरदार। आदमी शरीफ मालूम होते। मेरी लड़की ने तुम्हें पसंद किया है। बोल, तू तैयार है? तैयार? हाँ, अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। अरे सोचता क्या है, बोल ना, नहीं तो ये सब तेरी चटनी बना डालेंगे। बापू, ये तैयार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की? आज से तू हमारा जासूस है। जासूस? हाँ, राजा जो कुछ भी करने वाला हो हमको पहले से खबर दो, जिससे हम होशियार हो जाए, अपने घर बार जान माल खेती और लड़कियों की हिफाजत पहले से कर सकें। हाँ सरदार, पहले से बता दिया करूंगा। ठीक है, हम सबसे कह देंगे तू हमारा जासूस है, तुझे बिना रोक टोक यहाँ आने दिया करें। तो अभी मैं जा सकता हूँ सरदार? हाँ तू जा सकता है। नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। चप्पूस। ए ठहर। तू लंगड़ाता क्यों है? पैर बहुत दुखता है, मोच आ गई। तो चल मेरे साथ बुंदू चाचा के पास, वो ठीक कर देगा। आ, आ। राजा बना रहा हूँ, उसका फायदा तो उठाता नहीं, ऊपर से रोना शुरू कर दिया। कथा कहीं का डर मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊं। फायदा उठाऊं? अरे हाँ, फायदा उठाऊं। पिछले साल जब मैं शेर के शिकार में गया तो हकवा नहीं करवाया, मचान बनवाया, उसके ऊपर मैं जाके बैठा। तू आ गई, ले आई, ला दे दे। अरे क्या तुम लोगों को हर घड़ी खाने की पड़ी? उधर महाराज के सर में दर्द है। फिर क्या करें? उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो अच्छे हो जाए और सबको रोजाना तरमाल खाने को मिले। अच्छा, आग बाल मुंडी उधर, प्रार्थना चालू। राम 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 राम। राम 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 जप राम जप न पराया माल अपना। राम राम जप न पराया माल अपना। प्यार में देखा हमने ये सपना, प्यार में देखा हमने ये सपना। राम राम जप न पराया माल अपना। राम राम जप न पराया माल अपना। चाहे मानो कहते हैं मन लगती, चाहे रूठो चाहे मानो कहते हैं मन लगती। हमने तुम्हारे जीजा जी से सीखी पगला भक्ति, हमने सीखी पगला भक्ति। क्या और का हिस्सा आप हड़पना, और का हिस्सा आप हड़पना। राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम जपना पराया माल अपना। अरे
डोले चंचल नैना चाल में मस्ती जैसे हिरनी डोले जोगी है अब जाने वाला तू भी पीछे हो ले झटपट तू भी पीछे हो ले बोलो कब तक मन की आग में तपना कब तक मन की आग में तपना राम राम जपना पराया माल अपना राम राम जपना पराया माल अपना प्यार में देखा हमने ये सपना प्यार में देखा हमने ये सपना राम राम जपना पराया माल अपना राम राम जपना पराया माल अपना राम 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 जप अरे बाप रे फिर वो मोटा आ रहा है अब क्या होगा तुम कहीं जाके छुप जाओ ना कहाँ इस घास के नीचे तू महाराज को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई मैं पराए मर्द के पास अकेले क्यों बैठती चली आई जी चाहा जरा जंगल देखा अच्छा मैं भी चला आया जीजा जी चलो ना वहाँ चलकर बैठे अरे यही बैठने दे चलते चलते थक गया हूँ जाइए हम आपसे बात नहीं करते आप तो हमारी कोई बात ही नहीं मानते अरे अलबेली सुन तो सही कहाँ चली अलबेली मुझे वहाँ कर दे मुझसे भूल हो गई है बहुत गुस्सा आ गया ले मेरे गाल पर थप्पड़ मार ले थप्पड़ हाँ ले मार ले चल मारती है तो ले मैं आंखें बंद कर लेता हूँ कितने मुलायम हाथ है अच्छा तू ले इस गाल पर भी मार ले मार ना शर्माती क्यों है जोर से मार हाँ मार अरे बाप तो मैंने मार दिया मगर तुझे किसने कहा था और तू यहाँ आया कैसे मुझे महाराज ने हुक्म दिया था कि जंगल से फूल चुन के ला मैं जा रहा हूँ चुनने के लिए हाँ, जा। ए, तुम लोग पराया मर्द के सामने प्रेम करते हो समझे आती चला लग रहा हम लोग तो अलग अलग हैं। फिर मिले मिले क्यों दिखाई देते हो कहीं ठहरो मैं आ रहा हूँ अरे यहाँ से तो ठीक दिखाई देता है फिर ऊपर से ऐसा क्यों लगता है मिले 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 यहाँ अलग अलग और ऊपर से मिले मिले दिखाई देता है झूठ तुम यही ठहरो मैं ऊपर जाके देखता हूँ अरे हाँ तुम लोग तो सचमुच ही मिले मिले दिखाई दे रहे हो कमाल है शायद जगह की तासीर होगी अच्छा ऐसे ही रहो मैं नीचे आके देखता हूँ नहीं सरदार ऐसी बात नहीं नया राजा दिल का अच्छा है कोई राजा दिल का अच्छा नहीं होता वो नया हो या पुराना मगर नए राजा ने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं चोरी छुपे थोड़ी कुछ करेगा वो तो दिन दहाड़े डाकुओं की तरह आएगा हमारे घर बार लूट कर उनको आग लगा देगा हमारी लड़की और पकी फसलों को उठाकर ले जाएगा नहीं सरदार वो कुछ नहीं करेगा आप इत्मीनान रखिए तुम्हें पूरा भरोसा है ना हाँ सरदार मुझे पूरा भरोसा तो ठीक है सरदार घर में सब ठीक है ना हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है कोई दिखाई नहीं देता क्यों क्या बात है नहीं मुझे प्यास लगी है पानी पियोगे हाँ अरे इसके लिए पीने का पानी ला रहा हूं ले पानी पी दगड़ो ओ दगड़ो जी सरदार कच्ची फसल काटने की कोई जरूरत नहीं मुझे खबर मिली है नया राजा कुछ नहीं करने वाला
लड़कियों को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ। आइंदा इस बस्ती में पैर भी रखा तो जान से मार दिए जाओगे। पापू, तुम इस पे क्यों नाराज हो? किसी ने तो हमारी इज्जत बचाई। नहीं बिजली, सरदार ठीक कह रहे हैं। राजा अगर अनजान होगा तो निर्दोष मैं भी नहीं। मुझे बहुत अफसोस है सरदार कि मैं आपको ठीक खबर नहीं दे सका। आइंदा ध्यान रहे। चलो भी। सिपाहियों के जिम्मेदार आप हैं। बताइए, उन्हें किसने हुक्म दिया कि गांव में जाकर गरीबों की इज्जत से खेले? महाराज तक ये इत्तला कैसे पहुंची? पार्वतीपुर के जंगल में जो कुछ हुआ मुझे सब मालूम है। वो जंगली हमेशा से हमारे दुश्मन है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है। वो जंगली आदमी आपके दुश्मन है, इसलिए आप उनकी लड़कियों की इज्जत के दुश्मन है? क्या यही पूछने के लिए महाराज ने यहां बुलाया? हाँ, जवाब दीजिए। इसका क्या जवाब हो सकता है, मामूली बात है। आज से आप किसी सिपाही को कोई हुक्म नहीं देंगे। मतलब? मतलब ये है कि आज से आप अपने ओहदे से हटाए जाते हैं। महाराज का हुक्म खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ, जारी हुआ। प्रधान जी। जी महाराज। अब अगर किसी आदमी को, चाहे वो जंगली ही क्यों ना हो,
किसी आदमी ने सताया तो चाहे वो किसी वादे का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो हुकूमत के नशे में ये भूल गया है कि किसे जलील कर रहा है। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। अभी वापस आ गया, बात क्या है? तो क्या हुआ? मगर जाते समय तो छोटा दिखता था, आते समय लंबा कैसे हो गया? अरे अब भी इतने बड़े खोपड़े में बात नहीं आ रही, पहले तूने जाते हुए देखा इसलिए छोटा नजर आ रहा था, अब तू मुझे आते हुए देख रहा है इसलिए लंबा नजर आ रहा हूँ। बुद्धू सिंह? फिर बुद्धू सिंह? अरे मेरा नाम बुद्धि सिंह है। बुद्धि सिंह। क्या कह रहा महाराज? नौकरानी को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है, अभी बुलाता हूँ। ए बुद्धू सिंह, अलबेली को भेज दो, महाराज याद फरमा रहे हैं। सरकार ने याद किया? हाँ, पैर दबाओ। इतना नरम हाथ है तुम्हारा, इन हाथों से पैर क्या दबाओगे? सर दबाओ। आओ, नजदीक आओ। इतना हल्का फुल्का हाथ है तुम्हारा, ओकल मेरे सर पे बैठ जाओ। जी। इसमें क्या हरज है? ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? अलबेली, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ऐसे बातें नहीं कीजिए सरकार, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। रानी? ये आपको क्या हो गया सरकार? आप दरिया के सर न किया कीजिए, हवा पानी का भी असर हो जाता है। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे सर दबाने दीजिए। बहुत दबा चुके सर, अब मैं दबाऊंगा तुम्हारा सर। मैं यहाँ नहीं आऊंगा। क्यों? मेरी शादी होने वाली है। शादी? हाँ, माँ ने लड़की तय कर ली है। लड़की काली है मगर मुझे 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो रुपयों के लिए शादी कर रहे हो? क्या करूँ,
बहनों की शादी के लिए रुपए चाहिए। वहां से रुपए मिलेंगे तब तो बहनों की शादी कर सकूंगा। अच्छा चलता हूँ। ठहरो। सुनो मेरे पास 300 रुपए हैं। इतने में काम चलेगा? 300 में कैसे काम चलेगा? अच्छा मैं गहने भी बेच दूंगी, 100 रुपए और मिल जाएंगे, 400 हो जाएंगे। मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, 400 में क्या काम बनेगा? फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारी कसम मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। अरे 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 रोते क्यों? रुपए 400 और आंसू इतने? देखो देखो इधर देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ सच बोल रहे हो? हाँ हाँ सच, मुझ मजाक कर रहा था। चप्पस गई के चले जाओ यहाँ से। अरे बिजली बिजली सुनो, बिजली 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 मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। बिजली बिजली सुनो, बिजली मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। देखो छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ दो। कांटों में फंसा आंचल, जुल्फों में फंसा ये दिल, हाय हो गई मुश्किल। एक जाल में दो पंछी और दोनों हुए घायल, हाय हाय हो गई मुश्किल। कांटों में फंसा आंचल, जुल्फों में फंसा ये दिल, हाय हो गई मुश्किल। एक जाल में दो पंछी और दोनों हुए घायल, हाय हो गई मुश्किल। घड़ी गुस्सा भी है, घड़ी घड़ी रार भी, झुकी झुकी नजरों में है जरा जरा प्यार भी। घड़ी घड़ी गुस्सा भी है, घड़ी घड़ी रार भी, झुकी झुकी नजरों में है जरा जरा प्यार भी, जरा जरा प्यार। सूरत है बड़ी भोली, अंदाज बड़े कातिल, है हो गई मुश्किल। कांटों में फंसा आंचल, जुल्फों में फंसा ये दिल, हाय हो गई मुश्किल। अरे अरे दिल को लेके चली कहाँ गोरी रे, खुली तेरी खाते सारी, खुली तेरी चोरी रे। अरे अरे दिल को लेके चली कहाँ गोरी रे, खुली तेरी खाते सारी, खुली तेरी चोरी रे, खुली तेरी चोरी। ले बोल उठे घुंघरू, ले बजने लगी पायल, हाय हाय हो गई मुश्किल। ले बोल उठे घुंघरू, ले बजने लगी पायल, हाय हो गई मुश्किल। कांटों में फंसा आंचल, जुल्फों में फंसा ये दिल, हाय हो गई मुश्किल। एक जाल में दो पंछी और दोनों हुए घायल, हाय हाय हो गई मुश्किल। अरे क्या मुश्किल है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर रानी माँ को मालूम हो गया तो मेरी अलबेली शादी से पहले ही बेवा हो जाएगी। अच्छा है?
देखा, मिले मिले, और वो भी मेरी ही पोशाक पहन के। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा बिजली, तब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, बहुत देर हो गई। नहीं जाऊंगा तो महाराज नाराज हो जाएंगे। चप्पू कहीं का? कौन, मैं? नहीं, तुम्हारा वो राजा। हाँ, वो महाचप्पू है। तो मैं चलूं? कल यही रहना। सरकार, अगर कोई एतराज ना हो तो महारानी का नाम पूछ सकता हूँ? बिजली। बिजली, बाप रे। और यह मेरा क्या नाम है जानते हो? बादल। बादल और बिजली। तो यहाँ मेरा नाम सावन भादव होना चाहिए। हाँ जरूर, बादल और बिजली के साथ तो सावन भादव को होना ही चाहिए। सारा काम तो सावन भादव को ही करना पड़ता है ना। और भी कोई काम है क्या सरकार? हाँ बहादुर, आज वो मुझसे बहुत नाराज हो गई। सरकार इन औरतों का काम ही क्या है, जब देखो तब गाल फुला के बैठ जाती है। नहीं बहादुर, आज वो सचमुच नाराज हो गई थी, बात करने को भी तैयार नहीं थी। ये तो मामूली बात है सरकार, अलबिली तो हमेशा ऐसे ही करती है, कभी कभी तो मरम्मत भी कर देती है। आज तो बिजली ने भी मेरी मरम्मत कर दी है गन्ने से। अरे बाप रे, तब तो आपका मामला भी मुझ जैसा गंभीर है। हाँ, उसको महल दिखाने का वादा किया तब कहीं जान बची। ओ, समझा, पहले आप महल के बाहर, फिर महारानी महल के अंदर, और हम ना अंदर ना बाहर। नहीं नहीं दोस्त, कुछ भी कर यार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू तो बहुत अकलमंद है ना। वो तो मैं हूं ही, फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। सोच ले, जल्दी कर यार। जाएंगी कैसे? जाएगी पैदल। पैदल? बहादुर सिंह, ये क्या बात है? नहीं तो क्या आप उन्हें गोद में ले जाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि महल के अंदर कैसे जाएगी? सरकार, आप मेरे कपड़े पहनते हैं। हाँ, बस महारानी जी अलबेली के कपड़े पहन लेंगे और फिर महल के अंदर। ठीक है, लेकिन महल के अंदर का क्या इंतजाम करोगे? ओफो सरकार, कल रविवार है ना। हाँ? रानी माँ जाती है रविवार के दिन पूजा करने के लिए, और कुंवर प्रताप सिंह गए हुए शिकार खेलने के लिए, भगवान करे उन्हें शेर खा जाए। बस बाकी रह गए आपके अंदर के सिपाही, उनकी छुट्टी मैं कर दूंगा। बहादुर सिंह, तेरा जवाब नहीं। समझा, चल जा बेटा सूली पर, राम भला करेंगे। बिजली, अरे बाप रे, और कितना देखना है, ये क्या है? ये राजा का खास कमरा है। राजा एक और कमरे इतने? हाँ, आओ। बैठो। राजा के बिस्तर पे? तो क्या हुआ, कभी अपने जैसे गरीब भी बैठते हैं? 20-22 बरस के बाद बैठो। हमारे खास कमरे में कौन है? महामंत्री, सेनापति, जल्लाद जुल्मिया, ठहराओ! कौन हो तुम? अरे ये तो लड़की, ये हमारा खास कमरा है या भाजी खाना? तुम यहां लड़की लेकर आते हो? कोई बात नहीं, कल भरे दरबार में तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। नहीं नहीं महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। मिले मिले महाराज के सामने, मिले मिले। अलग अलग महाराज, आपने गलत समझा। पहले अलग अलग महाराज कभी गलत नहीं समझ। हम पैदा होते समय कसम खा लेते हैं, बादल से, यानी कि बादल से, बादल से हमारी होने वाली पत्नी के कपड़े से पहना, और हमारी होने वाली पत्नी के होने वाले पति के कपड़े तुम पहन। जी महाराज, ये हमारी तरफ से भेंट। कोई बाल बच्चा? शादी तो हुई नहीं, फिर भी देवी हमारी तरफ से अपने होने वाले बच्चों को यह दे देना। महाराज,
आपकी दाढ़ी। तो क्या हुआ, अगर लड़की हुई तो हाथ दे देना और अगर लड़का हुआ तो दाढ़ी दे देना। शायद ये महाराज के दरबार की दाढ़ी है। यानी राजाओं की दाढ़ी नकली होती है? यहाँ सब कुछ नकली होता है बिजली। चलो कपड़े बदल लो। नहीं नहीं, कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? बाप रे, महाराज नाराज हो जाएंगे। चलो 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 चलो। बाप रे, तुमने महाराज के सामने तलवार निकाल दी? अरे तलवार? अरे मैंने तो उन दोनों को हुक्म भी दे दिया कि जाओ, जाके राजा और रानी की पोशाक पहनो। क्यों? तू भी बुद्धू सिंह नहीं, इतना भी नहीं समझती क्या अपने मालिक और मालकिन नौकरों के पोशाक पहन के घूमेंगे? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो दोनों वहां मोहब्बत कर रहे हैं और हम दोनों बेकार बैठे। लग गया। लगा। मैं बाहर आऊं? तेरा हुस्न रहे, मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, चल प्यार का नाम जमाने में किसी और का नाम रहे न रहे, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, चल प्यार का नाम जमाने में किसी और का नाम रहे न रहे, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। का नाम रहे ना रहे, तेरा हुस्न
नानीमा आ बेटा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ नानीमा, मैं बहुत खुश हूँ। नानीमा, मैं दो चार नहरें बनवाना चाहता हूँ। लोगों को खेती बाड़ी के लिए बहुत तकलीफ होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो नानीमा, मैं पहली नहर पार्वतीपुर के जंगल से निकालना चाहता हूँ। उन बेचारों को सबसे ज्यादा तकलीफ है। पार्वतीपुर? हाँ नानीमा, वहाँ से खून की नहर निकाली जा सकती है, पानी की नहीं। वो हमारे दुश्मन है। वो दोस्त भी बन सकते हैं। हमें उनकी दोस्ती की जरूरत नहीं। लेकिन नानीमा, मनु तुम्हें मालूम नहीं, पार्वतीपुर वालों ने मेरा सुहाग लूटा है। लेकिन नानीमा, बदला तो कभी खत्म नहीं होता। बहस मत करो, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे सामने पार्वतीपुर का नाम कभी मत लेना। कुंवर साहब, तुम महल छोड़कर क्यों आए? बहुत जरूरी खबर लाया हूं सरकार। क्या है? महाराज रूप के दीवाने हो चुके, दो दिल अब एक होना चाहते हैं। उनका प्यार उस लड़की को महल तक ला चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सरकार। कौन है वो लड़की? पार्वतीपुर के जंगल की। पार्वतीपुर के जंगल की? बहुत अच्छी खबर लाए। तुम मुझे वो लड़की दिखा सकते हो? जी हाँ। कब? कल ही। बादल? कल क्या होगा? क्यों, कल क्या होगा? वाह, भूल गए, कल हमारे यहाँ लगन उत्सव है ना। अरे हाँ, कल तुम्हारे बापू से तुमको मांगना पड़ेगा। मांगना नहीं, भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा? हाँ, लड़की भागेगी, लड़का अगर भागकर उस लड़की को पकड़ लेगा तो वो उसकी हो जाएगी। लेकिन मैं तो सबसे तेज भागती हूँ। मर गए भाई, मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत में मुर्गी की तरह भागना पड़ता है। देखो, तुम एक काम करना, तुम जरा आहिस्ता भागना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, देवता नाराज हो जाएंगे। हाँ, देवता नाराज हो जाएंगे। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कैसे? दिखाओ। दिखाऊं? दिखाऊं? हाँ। तो तुम भागो। भागो? भागो। ओ, मर गए! अरे बाप रे! अरे बाप, मर गए! क्या हुआ? हुआ क्या? अरे बाप रे! क्या हुआ? पैर में बहुत जोर से मूंछ आ गई। कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने, तू रसिया मन बसिया। तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करुआ से कैसे लगाया तूने।
गया तूने, काहे को जादू जगाया तूने। ये फिजा भी शराबी, ये हवा भी शराबी, तुझे चूम चूम इधर आए, मुझे दूर कहीं लिए जाए। सारा मेरा कचरा छुड़ाया तूने, बस कैसे लगाया तूने, तीखा तीखा कचरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया। रजनी सुख रजनी मोरसिया मन बसिया, ओ सजनी सुख रजनी मोरसिया मन बसिया। झूठ है, तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। आपको मेरी बात का यकीन करना ही होगा रानी माँ, मैं झूठ नहीं बोलता। इस दिन से वो राजा हुआ, तुम उसके दुश्मन बन गए हो। जिस दिन से वो राजा हुआ है उस दिन से राज और खानदान की इज्जत खतरे में पड़ गई, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा कहना सच हुआ तो मैं जो मुनासिब समझूंगी करूंगी, और अगर झूठ हुआ तो मैं हमेशा के लिए रियासत छोड़कर चला जाऊंगा। Thank you.
अपराध की सफाई पेश करनी है। कल तुम कहां थे? झूठ बोलने की कोशिश न करो, मुझे सब कुछ मालूम है। फिर पूछने की क्या जरूरत है? पार्वतीपुर के जंगल में थे, यही नहीं बल्कि तुम उनके नाक गाने में भी शरीक थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पार्वतीपुर वाले पुरखों से हमारे दुश्मन थे? क्या ये राजा के लिए जरूरी है कि वो राज सिंहासन के साथ पुरखों के दुश्मनी भी विरासत में हासिल करें? मैं तो यह जानता हूँ कि प्यार की ताकत नफरत की ताकत से ज्यादा है।
शाही नस्ल खून की भी एक कीमत होती है। सबका खून लाल होता है और खून का वजन एक ही होता है। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। क्या राजा को यह अधिकार है कि खानदान की इज्जत ऊंची करने के लिए पूरी इंसानियत की इज्जत मिट्टी में मिला दे? बहस मत करो, ये यही डर था कि तुम एक मामूली आदमी की तरह जवाब दो। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देती हूँ, सोचकर जवाब दो। तुम्हें वो मामूली लड़की चाहिए या अपने बुजुर्गों की शानदार रियासत? सोचने के लिए वक्त उन्हें चाहिए जिनकी अकल दूसरों की पसंद का सहारा लेती है। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं रियासत छोड़ सकता हूँ, इंसानियत नहीं। तो मेरा फैसला भी सुन लो, अब तुम्हारा इस रियासत पे कोई अधिकार नहीं। तुम आज से राजा नहीं रहे और प्रताप सिंह राजा बनाए जाएंगे। रानी माँ, कांटों भरा ताज आपने मेरे सर से उतार लिया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ माँ, लेकिन तुम्हें मालूम है ना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए रानी माँ। मन्नू, तू जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। एक मामूली लड़के के लिए तूने अपने बुजुर्गों की हुकूमत छोड़ दी, ये कितना महंगा सौदा है। हुकूमत का दाम लग जाता है रानी माँ, प्यार का कोई दाम नहीं। और मेरे प्यार का? मनु, तूने ये कैसे समझ लिया कि तुझे छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं होगा? आपके फैसले से। आप फैसला कर चुकी हैं रानी माँ। फैसला दरबार का था, लेकिन मैं दरबार के अलावा भी तो कुछ हूँ। आप दरबार के अलावा भी रानी है और हमेशा से रानी है। मैं दरबार में आकर के गरीब रहा इसलिए कि मैं हमेशा से गरीब हूँ। मनु, अरुणा के बाद तू मुझे मिला, अब तेरे चले जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो मेरे आंसू पोंछे। मैं तुझसे वादा करती हूँ तू अपना फैसला बदल दे, मैं अपना फैसला बदल दूंगी। हुकूमत जब चाहे अपना फैसला बदल सकती है, दिल का फैसला कभी नहीं बदलता। मुझे आपको छोड़ने का बहुत दुख है, इस महल में आपको मैंने माँ की जगह पाया था। मुझे अफसोस है नानी माँ कि आपने मुझे तलाश किया और मैं आपको खो रहा हूँ। बात है सरकार, राजा महल से निकल गया लेकिन कांटा दिल से नहीं निकला। सरकार, वो जब तक जिंदा है मेरे लिए मुश्किल है। फिर इस कांटे को मैं निकाल दूं सरकार? अभी वो रास्ते में ही होगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, पार्वतीपुर के लोगों को खबर कर दो कि राजा ही भेष बदल कर उनकी लड़कियों की इज्जत टूटने आया करता था, वो खुद उसे खत्म कर देंगे। प्यार और हमारी इज्जत से खेलने के बाद तू पूछ रहा है तूने क्या किया है? धोखेबाज। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। झूठ मत बोल।
क्या तुमने नाम और भेष बदलकर हमें धोखा नहीं दिया? क्या तुमने अपने सिपाहियों से हमारी लड़कियों की जान बचाकर हमारा भरोसा हासिल नहीं किया? क्या तुमने धोखे से मेरी बेटी से प्यार नहीं किया? देख लिया तुम लोगों ने राजा कैसा होता है। अब तुम लोग ही बताओ इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। हमारा दुश्मन है ये। नहीं बाबू नहीं। बिजली, तू ही इसको हमारे पास लाई थी। आज तुझे ही अपने हाथ से इसको जलाना पड़ेगा। जाओ विशाल। ठहरो, ठहरो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या दुनिया में प्यार का बदला इस तरह देते हैं? कौन है तू? ये बताने से क्या फायदा? तुम्हारे दिल में नफरत है, इसलिए तुम दोस्त को भी दुश्मन समझते हो। दोस्त जिसने हमेशा हमारे चैन की बस्ती में आग लगाई, जिसने हमेशा हमारी इज्जत से होली खेली, उसे तू दोस्त कहता है? सरदार, ये सचमुच तुम्हारे दोस्त हैं। तुम राजा को नहीं जला रहे हो, तुम हमेशा के लिए नफरत की चिता सुलगा रहे हो। इन्होंने तुम्हारे प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना राज तक छोड़ दिया। क्या बकता है, प्यार के लिए राज छोड़ दिया? हाँ सरदार, इन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपनी रियासत, अपना राज सब कुछ छोड़ दिया। बड़ा गजब हो गया सरदार। मैं अच्छी तरह पता लगा कर आया हूँ कि बिजली से प्यार करने की गुनाह में ये देवता समान राजा गद्दी से उतर दिया गया है। अब इसकी जगह प्रताप सिंह राजा बना है। क्या? वो हम लोगों को बर्बाद कर देगा सरदार। क्यों, अब खड़े क्यों? जला दो इन्हें, मार डालो इन्हें। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सरकार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है सरदार, ठीक है। अपने आदमियों को तैयार होने का हुक्म दो, हम आज रात को ही हमला करेंगे। प्रताप सिंह राजा नहीं होगा, राजा यही होंगे। नहीं नहीं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। हम इस धरती पर खून की एक बूंद नहीं गिरने देंगे। खून की प्यास खून से नहीं बुझती और बदला कभी खत्म नहीं होता। प्रताप सिंह राज चाहते थे, उन्हें राज मिल गया। हम तुम्हारा प्यार चाहते थे, हमें तुम्हारा प्यार मिल गया। हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। किसी के सामने सर झुक जाना अपमान है, सर झुका लेना अपमान नहीं। गजब हो गया सरकार। क्या हुआ, महेंद्र सिंह बच गए? हाँ सरकार, जंगली तो उन्हें जला डालना चाहते लेकिन राज बहादुर पहुंच गया और उसने सारी बाजी उल्टी कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार, अब तो खतरा है, जंगली बगावत करेंगे। बांके, फौज को तैयारी का हुक्म दो। इससे पहले कि जंगली हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देंगे आज ही रात को। Come on.
कौन? ये वही सरदार की लड़की बिजली है। रानी माँ, सत्यानाश हो गया। रानी माँ, कुंवर प्रताप सिंह ने पार्वतीपुर पर हमला कर दिया, सारे गांव में आग लगा दी। उनका इरादा था सरकार को जान से मार डालने का। हाँ रानी माँ, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो सरदार की बेटी को उठा ले आए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं वही था रानी माँ। रानी माँ आप जल्दी चलिए, वरना एक मासूम लड़की का सत्यानाश हो जाएगा। जाने पड़ेगा। मैं भी चलूंगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी फिक्र ना करो,
मेरे साथ भगवान है और उसे ये सिपाहियों के लिबास। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी, तुम जानी ना और उस लड़की का ख्याल रखना, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान तक दे देना। जी सरकार, ये खबर महल से बाहर ना जाने पाए। रानी माँ के बहल से उनके सिपाही हटाकर अपने सिपाही तैनात कर दो। आओ मेरे साथ और पार्वतीपुर के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। जी आपने कहा था नफरत छोड़ दो, आपने कहा था इस धरती पर खून की एक बूंद तक नहीं गिरने देंगे, लेकिन वो बिजली को भी उठाकर ले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। सरदार, उन्होंने हमें गलत समझा है। हम शांति चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुजदिल हैं। अपने आदमियों को इकट्ठा कीजिए, हम इस जुल्म का जवाब देंगे। नहीं जाने देंगे। ये मेरा हुक्म है सरदार, अगर मैं शाम तक वापस नहीं आया तो जो मुनासिब समझेगा कीजिएगा। इतने आदमियों का खून बहाने से पहले मैं खुद जाके कोशिश करके देखूंगा। सरकार, कम से कम मुझे तो साथ ले चलिए। नहीं, मैं अकेला ही जाके देखूंगा। अख्तावर, प्रधानमंत्री को कैद कर दिया? जी सरकार। बाकी सब को नजर बंद कर दिया गया है सरकार। होशियार रहना, कहीं से भी बगावत की बू आए तो कुचल देना। सरकार, क्या है? पंजा सिंह पार्वतीपुर वालों को लेकर हमला करने आ रहे हैं। क्या कहा? जी हाँ सरकार, वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अक्तावर। जी सरकार। तोपें तैयार करो, उनमें से एक भी बचकर वापस न जाए। ये आपने क्या किया सरदार, उन्हें अकेला जाने दिया? हम क्या करते, ये उनका हुक्म था। अब क्या होगा? उधर रानी माँ गिरफ्तार हो गई, यहाँ सरकार अकेले चलेगी। प्रताप सिंह को यही तो चाहिए था। तो चलो हम अभी हमला करते हैं। क्या लेकर? ये भाले और कुल्हाड़ियां लेकर? वहां तोपे और बंदूकें हमारा इंतजार कर रही हैं। तो क्या हुआ, हम लोग लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे। इससे क्या फायदा सरदार, न सरकार बचेगी न बिजली बचेगी। सरदार, अब एक ही रास्ता है, किसी तरह से रानी माँ को कैसे छुड़ाना चाहिए। रानी माँ को देखते ही सिपाही उनका कहना मानेंगे। रानी माँ है कहाँ? किले में। और सुनो सरदार, किले में बारूद खाना कहाँ है वो मुझे मालूम, मैं वहां पहुंचकर आग लगा दूंगा। फड़ाका सुनते ही किले पे टूट पड़ना। लेकिन उससे पहले अगर तुम पकड़े गए तो? मेरा नाम बहादुर सिंह है सरदार। चलो दुश्मन आ गए, चलो।
जल्दी करो, चलो तुम लोग चलो। माफ करना भाई, मेरी पूरी तरह मोटी है, आप लोग चलो मैं आता हूं। सेना कहां छोड़ आए या अकेले ही लड़ने चले आए हो? नहीं प्रताप सिंह, मैं लड़ने नहीं आया, बिजली को वापस लेने आया हूं, उसे ले आइए। ये महाराज का हुक्म है या अर्ज है? जो कुछ समझे। अगर अर्ज है तो घुटने टेक कर भीख मांगिए। मैं भगवान के सिवा और किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। ओ, तो ये महाराज का हुक्म है। ताकतवरी हुक्म दे सकता है, कमजोर नहीं। कौन ताकतवर है और कौन कमजोर, इसका फैसला कैसे हो सकता है? तलवार से। अगर बिजली को ले ही जाना है तो तलवार उठाइए। मुझे मजबूर मत करिए प्रताप सिंह, तलवार के जोर से मैं कुछ नहीं करना चाहता। करोगे कैसे? तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही कहां है? तुम्हारे खून में मिलावट है, तुम्हारी मां ने एक आम आदमी से शादी। प्रताप सिंह, लाइए तलवार। शाबाश बतावर। मुझे मालूम है कि आप सबसे बड़े तलवारबाज हैं, लेकिन जीत मेरी होगी क्योंकि मैं इंसाफ के लिए तलवार उठा रहा हूं। जबान को क्यों तकलीफ देते हो, तलवार को फैसला करने दो।
ये नहीं कुमार साहब, ये लीजिए। प्रताप सिंह, इंसाफ की जीत हुई। लाइए बिजली को, लाइए। क्या क्या रानीमा, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर चला गया था। भलाई की जिंदगी के लिए मैंने बुराई को खत्म कर दिया। मनु, अब अपना राज संभाल बेटा। रानीमा, मेरी रगों में राजाओं का खून है, इसीलिए महल मेरा है, सिंहासन मेरा है, राज मेरा है। ये सब गलत है रानीमा, सब गलत है। मुझे राज सिंहासन कुछ नहीं चाहिए। ठीक बेटा, इनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तुझे ये राज संभालना ही पड़ेगा। सेवा ही करना है तो इनमें से एक होकर, इनके साथ रहकर इनकी सेवा करूंगा। मुझे महल की जरूरत नहीं। ये महल, ये सिंहासन, इन सब का मालिक आप प्रजा को बना दीजिए रानी माँ। बना सकती हूँ, एक शर्त पर। क्या शर्त? मैं भी तेरे साथ इन लोगों की सेवा करूंगी। अब मुझे अपने से अलग न करना बेटा। रानी माँ, ये वही लड़की है जिसके लिए तूने मुझे छोड़ दिया था। इधर आ बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? चप्पूस। नहीं, मेरा नाम बिजली है। बिजली? प्रधान जी, इस महीने की पूनम को इन दोनों का ब्याह होगा। जी रानी माँ। रानी माँ, आप तो हम गरीबों की भी माई माँ है। हम दोनों भी आकरा लगाए बैठे हैं। पूरन मासी न सही, अमावासी सही, हम दोनों का भी कल्याण करवा दीजिए। प्रधान जी। जी रानी माँ। पूनम को इन दोनों के भी शादी का इंतजाम कीजिए। रानी माँ जी।